नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूँ फरहा सदीकी। कोरोना महामारी के इस दौर में भी भारत महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भारत की कूटनीति और उदारता है। भारत की तारीफ कोरोना महामारी से लड़ने की रणनीति को लेकर तो हो ही रही थी और जब से भारत ने क्लोरोक्वीन दवाई प्रभावित देशों को दी है तब से सभी प्रभावित देशों के साथ साथ WHO और UN जैसी संस्था भी भारत के मुरीद हो गए हैं। तो वहीं दुनिया को कोरोना वायरस देने वाला चीन अपनी घटिया दवाई और मेडिकल उपकरण दुनिया को देने की वजह से बड़ा झटका झेल रहा है। क्या है वो झटका, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी भारत विश्व को राह दिखाता रहा है। यही वजह है कि आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है कि किस तरह भारत ने इस महामारी का डटकर सामना किया है। जहां भारत ने कोरोना प्रभावित देशों को दवाओं का निर्यात किया है, उससे भारत की धाक दुनिया में जमी है, तो वहीं चीन की दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर दुनिया भर के देशों का भरोसा कम हो रहा है। इसका फायदा उठाने के लिए भारत सरकार बंद पड़ी सक्रिय फार्मा घटक यानी API इकाइयों को दोबारा शुरू करने की तैयारी में है। इकाइयों के लिए विशेष फंड बनाने के साथ कर्ज भुगतान में रियायत देने की भी योजना बनाई गई है। सूत्रों के मुताबिक बंद पड़ी इकाइयों को राजकोषीय मदद के साथ पूंजीगत सब्सिडी, 2 साल तक EMI में छूट और 3 साल तक बिना ब्याज कर्ज देने से API निर्माण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उधर दवाओं को लेकर चीन से करीब करीब सभी देशों का भरोसा उठ गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि कोरोना जैसी महामारी में भी चीन ने कई देशों को घटिया क्वालिटी के मेडिकल उपकरण बेचे हैं, जिसका शिकार चीन का दोस्त पाकिस्तान भी बना है। भारत में भी चीन से आई रैपिड टेस्ट किट के परीक्षण रिजल्ट काफी गलत आए थे, जिसको लेकर राज्यों ने चीन की किटों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। जहां ऐसे में चीन ने दुनिया से पैसा कमाने की कोशिश की है, उसकी वजह से चीन की साख गिरी है। वहीं भारत पर पूरे विश्व का भरोसा बढ़ा है। ऐसे में भारत अगर दवाइयों के क्षेत्र में अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है तो चीन को पछाड़कर भारत अपना कब्जा बाजार पर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से पूरी दुनिया में अपनी घटिया दवाइयों के लिए चीन की छवि धूमिल हुई है और भारत की धाक पूरे विश्व में अपनी विदेश नीति को लेकर जमी है। यही वजह है कि जो देश भारत का खुलकर समर्थन करने से परहेज करते थे, वो आज खुलकर भारत के साथ खड़े हैं। ब्रिटेन में विपक्ष की पार्टी लेबर पार्टी भी जहां भारत का विरोध करती थी, जब से भारत ने ब्रिटेन को क्लोरोक्वीन दवाई भेजी है तब से ब्रिटेन का विपक्ष भी भारत के समर्थन में आ खड़ा हुआ। देखिए हमारी रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के दौर में भारत के जरिए दुनिया को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा देना कारगर साबित हुआ है। ब्रिटेन में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी कश्मीर मसले पर भारत के साथ रही है, लेकिन विपक्षी लेबर पार्टी ने इस मुद्दे पर पाक का साथ दिया है। अब दवा कूटनीति के बाद विपक्षी लेबर पार्टी के नव नियुक्त नेता कीर स्टर्मर भी कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हैं। कीर स्टर्मर ने कहा है कि वे कश्मीर या भारत के किसी भी संवैधानिक मसले में दखल नहीं देंगे। भारत में कोई भी संवैधानिक मुद्दा भारतीय संसद के अधीन आता है और कश्मीर भारत पाक का द्विपक्षीय मसला ही है। हाल ही के हफ्तों में हमने देखा कि भारत और ब्रिटेन के बीच कितना अहम रिश्ता है। भारत ने मुश्किल वक्त में बेहद जरूरी पैरासिटामोल हमें दी है। कोरोना महामारी से लड़ने में भारत ने कई देशों की सहायता की है, जिसमें कई तरह के मेडिकल उपकरण और दवाइयां भी शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी देश का साथ भारत को मिला हो। इसराइल, अमेरिका, यहाँ तक कि UN और WHO ने भी भारत की उदारता और कोरोना को लेकर रणनीति की पहले ही तारीफ कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।